प्रोफेशनल एथिक्स के इस लेक्चर सीरीज में आज हम प्रोफेशनल एथिक्स के सिग्निफिकेंस को समझेंगे इन द फील्ड ऑफ लीगल प्रोफेशन। अक्सर ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में लिखने को आता है, तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इन द फील्ड ऑफ लीगल प्रोफेशन को डिस्कस करेंगे। हमने ये जाना कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 लॉयर्स के रिस्पेक्ट में कोड ऑफ कंडक्ट को डिफाइन करता है, और एडवोकेट्स एक्ट 1961 का सेक्शन 7 बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है कि वो लॉयर्स के रिस्पेक्ट में प्रोफेशनल कंडक्ट को डिटरमाइन करे। और हमने ये जाना कि अगर हम कुछ मेजर कोड ऑफ कंडक्ट फॉर लॉयर्स को देखें तो ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू पब्लिक इज प्राइमरी ड्यूटी। एक एडवोकेट का जो प्राइमरी ड्यूटी है वो पब्लिक को सर्व करना है। एक एडवोकेट का जो प्राइमरी ड्यूटी है वो पब्लिक को एडवाइस करना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने डिग्निटी को मेंटेन करके रखना है। उसका कुछ ड्यूटी उसके क्लाइंट को लेकर के बनता है, जैसे उसके और उसके क्लाइंट के बीच जो भी कम्युनिकेशन हुआ है वो उन कम्युनिकेशंस को ऑपोजिट पार्टी के सामने डिस्क्लोज ना करें। और लास्ट में हमने देखा था कि नो एंगेजमेंट इन एनी बिजनेस अदर देन लॉ। तो अब ज़रा सोचो कि अगर रिटन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होंगे लॉयर्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए, तो क्या वो अपने प्रोफेशन पे फुल कॉन्सेंट्रेशन दे पाएगा? क्या वो अपने प्रोफेशन को सीरियसली लेगा? नो। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझते हैं। देखो, एन एडवोकेट हैज नॉट टू एंगेज हिमसेल्फ इन एनी अदर बिजनेस और ट्रेड वाइल कैरिंग ऑन लीगल प्रोफेशन। हमने जाना कि एक एडवोकेट का ये कोड ऑफ कंडक्ट है कि वो इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में रहते हुए अपने आप को किसी अदर ट्रेड या बिजनेस में एंगेज नहीं कर सकता है, और अगर वो ऐसा करता है तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के दायरे में आएगा और उसका लाइसेंस एज एन एडवोकेट कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। दूसरा, पर्सन हु विशेस टू टेक दिस एज अ प्रोफेशन मस्ट मेक अप देयर चॉइसेस फर्स्ट। तो ये जो पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट है नॉट टू एंगेज हिमसेल्फ इन एनी बिजनेस और ट्रेड, ये क्लियरली ये बताता है कि अगर एक पर्सन अपने आप को एडवोकेसी में लाना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने चॉइसेस को क्लियर रखना है, उसे अपने आप को किसी और बिजनेस में एंगेज नहीं करना है, ये उसे पहले लेकर के चलना है। लेकिन साथ ही में देखो, इफ दे विश टू बी इंश्योरेंस एजेंट देर इज नथिंग टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कैरिंग ऑन दैट यूजफुल ऑक्यूपेशन। तो कह रहे हैं कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 में कोई भी ऐसे प्रोविजंस नहीं हैं जो एक एडवोकेट को रिस्ट्रिक्ट करते हों कि वो कोई अदर ट्रेड या बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकता है। फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट है हमारे देश में, राइट ऑफ चॉइस का कंसेप्ट है हमारे देश में, तो वो फ्री है, वो जिस प्रोफेशन को चूज करना चाहे, वो जिस बिजनेस में अपने आप को एंगेज करना चाहे वो कर सकता है, ही इज फ्री। लेकिन उसे अपने नाम को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से विथड्रॉल कराना होगा एज एन एडवोकेट, राइट। तो सिंपल, अगर हम अपने डिस्कशन को समअप करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा कोड ऑफ कंडक्ट ही है जो एक एडवोकेट के और एक एडवोकेट से जुड़े हुए जो भी पर्सन्स होते हैं, एक एडवोकेट का उसके प्रोफेशन के रिगार्ड में जो इंटरेस्ट है उसे सेफगार्ड करता है, एक एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, एक एडवोकेट का कोर्ट को लेकर के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी उसे डिटरमाइन करता है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स नेसेसरी है फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ कोर्ट्स प्रोसीडिंग एंड सर्विंग ऑफ जस्टिस, राइट। तो अगर ये सभी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रहते हैं तो एक एडवोकेट कभी भी अपने प्रोफेशन को सीरियसली नहीं लेगा, वो इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाएगा। तो देर इज नेसेसिटी ऑफ दीज कोड ऑफ कंडक्ट टू बी इन रिटन फॉर्म, राइट।
राइट ओके, तो ये था आज का हमारा डिस्कशन जिसमें हमने प्रोफेशनल एथिक्स के इम्पोर्टेंस को समझा इन द फील्ड ऑफ लीगल प्रोफेशन। राइट, अब देखो अपने कल के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर लॉन्ग आंसर में लिखने को आता है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, इसे समझेंगे विथ प्रॉपर नोट्स। तो अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।